सभी साथियों को जैकसान। साथियों, 20 जनवरी है आज और सुबह सुबह जैसे ही आप लोगों ने फोन खोला होगा, अखबार देखा होगा, तो गेहूं के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर घूम रही है। हालांकि ऐसी एक खबर परसों आई थी जिसके अंदर सरकार की ओर से न्यूज़पेपरों ने लिखा था कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है गेहूँ सरकार खरीदेगी, लेकिन आज उसमें एक ट्विस्ट आया है। हालांकि मैंने तो आप सबको पता होगा कि परसों ही बोल दिया था कि 2700 रुपये सरकार खरीदेगी, कितना खरीदेगी, क्या कुछ, अभी स्थिति जो है क्लियर नहीं है और वही हुआ है। आज फिर एक खबर निकल के साथियों सामने आई है कि गेहूं जो है सरकार 2400 रुपये क्विंटल खरीदेगी, जिसमें से 2275 रुपये जो है एमएसपी है और 125 रुपये सरकार जो है उसके ऊपर बोनस देगी। पहले जो चुनावी वादा था और जो परसों अखबार के अंदर कटिंग आई थी उसके अंदर ये कहा गया था कि सरकार जो है 575 रुपये 475 रुपये जो है लगभग बोनस देगी और भाव जो है 2700 रुपये रहेंगे गेहूं के। तो ये एक बड़ी खबर साथियों निकल के सामने आ रही है। हालांकि काफी बड़ी एक उम्मीद बंधी थी और सरकार का धन्यवाद भी किया था सबने और करना भी चाहिए था अगर 2700 रुपये भाव, हालांकि 2700 रुपये भाव भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है गेहूं के हिसाब से देखा जाए। जिस तरह से आटे की महंगाई है, जिस तरह से जो पैकिंग वाले जो प्रोडक्ट जो गेहूं से बनते हैं या मान लो और चीजें जो बनती हैं, नूडल्स बनते हैं वगैरह जो सामान बनता है उनके हिसाब से देखें तो कुछ 2700 रुपये भी ज्यादा नहीं था। लेकिन अब खबर ये निकल के सामने आ रही है कि गेहूं जो है सरकार 2400 रुपये खरीदेगी, लेकिन अभी भी इसके अंदर कोई ट्विस्ट आ सकता है साथियों, लग ही रहा है क्योंकि अभी भी उसके अंदर उन्होंने बोला है कि काफी मात्रा में सरकार खरीद करेगी, लेकिन एक बीघे की कितनी खरीद करेगी। देखिए, चना और सरसों के ऊपर भी एमएसपी सरकार हर बार बोलती है कि हम लोग देंगे, लेकिन उसके अंदर लिमिटाइजेशन है, उसके अंदर प्रतिबंधता है कि एक आधार कार्ड के ऊपर जो है 25 क्विंटल आप गेहूं चना या फिर सरसों आप बेच सकते हो। तो उसी तरह से कल को कोई ना कोई अड़ंगा इसके अंदर भी अड़ सकता है साथियों। हालांकि जो तरीका बताया है वो कोई ज्यादा कोई कठिन तरीका नहीं है, जन आधार कार्ड और वगैरह जो है पहचान पत्र वगैरह लेके और आप अपनी जमाबंदी वगैरह लेके और उससे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मेरे ख्याल से आज का ही बोला है कि आज के बाद जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, लेकिन 2700 से 2400 पर आना बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। खैर, फिर भी अभी आगे देखते हैं साथियों क्या होता है। तो गेहूं के ऊपर ये बड़ी खबर कि सरकार अब गेहूं जो है 2700 रुपये नहीं खरीद के सिर्फ और सिर्फ जो है 2400 रुपये खरीदेगी और वो भी खरीदेगी, कितना खरीदेगी या नहीं खरीदेगी ये साथियों बाद की बात है। तो बात सरसों की कर ले, सरसों के लिए चना के लिए कल रूपगढ़ के अंदर बड़ी किसानों की एक मीटिंग हुई है, आईजीएमपी के अंदर दो ग्रुप में पानी देने के लिए भी मीटिंग हुई है साथियों, और बंदी जो आईजीएमपी के अंदर बंदी 15 मार्च से प्रस्तावित कर रहे हैं उसको 15 अप्रैल तक पानी उसके अंदर चलाया जाए, क्योंकि 15 मार्च तक साथियों गेहूं की फसल नहीं पकेगी, इवन जो पछेती सरसों है वो भी नहीं पकेगी। तो इन सब मांगों को लेकर कल काफी किसान साथी अनुपगढ़ पहुंचे थे, उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं साथियों। इसी तरह से एकता बनाए रखिए, किसान एकता जिंदाबाद।